प्रमोद टंडन मेरे बहुत प्यारे यार है। राहत वो शेर भूल गए तुम, आप हिंदू सुना दिया ना, सुना दो। अरे नहीं तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा। अरे नहीं नहीं, वो शेर तो वही रहेगा जो आप सुना दे या मैं सुना दूं। आपकी कई गजलें मैंने पढ़ दी, मेरी गजलें आपने कई आपने पढ़ दी, उसमें क्या फर्क है? आग और भड़क जाएगी। मेरे प्यारे अजीजो, इंदौर लोग के लोगों, कोई 35 बरस से दुनिया के कोई 40-42 मुल्कों का सफर मैंने किया है, और मैं शायरी के नाम से न जाने कैसा कैसा चूरन बेच के आ गया, और लेकिन मेरा क्या कसूर है कि सारी दुनिया उसी को शायरी मानती रही। आज मैं 55-56 साल का हो गया, अब मुझे पता चला कि मैं जो कुछ कर रहा था वो शायरी नहीं है, शायरी तो कुछ और चीज का नाम है। मेरे दोस्तों, शायरी तुगड़िया के हाथों का त्रिशूल नहीं है, शायरी रविशंकर के हाथों का सितार है। और मैं बता दूं कि शायरी उमा भारती की तकरीर नहीं है, शायरी लता मंगेशकर की आवाज की तासीर है, और शायरी महादेवी वर्मा की तहरीर है। और माफ करना मेरे यारो, शायरी मोदी का गुजरात नहीं है, शायरी मुंशी प्रेमचंद का देहात है। आपको मेरे साथ आना है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, पंडित जी और गोविंद मंगानी और मेरे मेरे बहुत प्यारे अजीज टंडन, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इश्क करें, इश्क करें, रोज रोज आते नहीं ऐसे नशीले मौसम, शाम है जाम है राहत है, चलो इश्क। आपके लिए सुनाना चाहता हूँ, प्रमोद टंडन मेरे बहुत प्यारे यार है। राहत वो शेर भूल गए तुम, आप हिंदू सुना दिया ना, अब सुना दो। अरे नहीं तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा। अरे नहीं नहीं, वो शेर तो वही रहेगा जो आप सुना दे या मैं सुना दूं। आपकी कई गजलें मैंने पढ़ दी, मेरी गजलें आपने कई आपने पढ़ दी, उसमें क्या फर्क है? अभी सुनाता हूं, सुनो दोस्त। शाम है जाम है राहत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। यार छोड़ो ये सियासत है, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें।